विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी पर लेटरल एंट्री के दावे के लिए हमला बोला। मेघवाल ने राहुल गांधी के लेटरल एंट्री के जरिए आरक्षण प्रणाली को दरकिनार करने की कोशिश करने वाले बयान पर पलटवार किया। मेघवाल ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष को याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 1976 में लेटरल एंट्री के जरिए ही वित्त सचिव बनाया गया था। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। अर्जुन राम मेघवाल ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह करने और यूपीएससी जैसी संस्थाओं की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल बोले कि राहुल गांधी इस तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं और वो अपने प्रयास में कभी सफल नहीं होंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता का संवैधानिक पद संभालने के बावजूद राहुल गांधी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। सुनिए अर्जुन राम मेघवाल ने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी जी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है, वो संवैधानिक पद पर है, बोलते समय ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। वो कहते हैं लेटरल एंट्री के माध्यम से आरएसएस के लोगों को भर्ती किया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी तो लेटरल एंट्री के ही पार्ट थे। 1976 में सीधा आपने फाइनेंस सेक्रेटरी कैसे बनाए जी? आपके जो प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष अलुवालिया जी, मोंटेंग सिंह अलुवालिया, वो भी लेटरल एंट्री के ही पार्ट थे। तो ऐसे ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए तब उनका भी इसकी कोई व्यवस्था है क्या? या जिसके जी चाहे उसको ले लेते हैं? जैसे एनएसी एक नेशनल एडवाइजरी कमीशन बनाया, सोनिया गांधी जी उनकी अध्यक्ष बनी, ये क्या है भाई? ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है क्या? प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, प्रधानमंत्री के ऊपर आपने बैठा दिया। तो लेटरल एंट्री तो आपने शुरू की थी, मोदी जी ने व्यवस्थित की है। 2005 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आई, आपने किया ही नहीं। आप लगातार 14 तक शासन में, 5 से लेकर के 14 तक शासन में थे, आपने किया ही नहीं। मोदी जी ने इसको व्यवस्थित किया, उन्होंने कहा भी ऐसे नहीं, यूपीएससी को दे दो, हमारी एक संस्था है यूपीएससी प्रमाणित संस्था है जो रूल्स बनाएगी, तरीके से लेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट है, इसमें ठीक है कोई जॉइंट सेक्रेटरी बनता है, कोई डायरेक्टर बनता है, कोई डिप्टी सेक्रेटरी बनता है, लेकिन वो उस विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। अब जैसे पर्यावरण का कोई विषय है तो पर्यावरण का कोई विशेषज्ञ अगर डिप्टी सेक्रेटरी बनता है तो तकलीफ क्या है जी? और ये ओपन फॉर ऑल है, इसमें एससी एसटी ओबीसी का आदमी भी अप्लाई करता है, और वो तो यूपीएससी आईएएस की जो वैकेंसी है वो अलग है। ये कह रहे हैं आप रिजर्वेशन समाप्त कर रहे हो, तो जब आप भर रहे थे, भर्ती कर रहे थे, तब क्या कर रहे थे? देख रहे थे अभी अचानक उनका ओबीसी प्रेम उमड़ा है, अचानक जब आपकी काका कालेज का समिति आई थी तब आप ओबीसी के खिलाफ बोले। 61 में पंडित नेहरू ने कहा मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं, सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे 61 में, फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई। राहुल गांधी जी को यह समझना चाहिए कि राजीव गांधी भी इस देश में नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने फ्लोर पे बोला है लोकसभा की फ्लोर पे मैं ओबीसी के रिजर्वेशन के खिलाफ हूं, वो रिकॉर्ड निकाल करके तो देख लेते। अब अचानक उनका कोई ओबीसी प्रेम उमड़ पड़ा है और ये एससी एसटी ओबीसी के छात्रों को भरमाने का काम कर रहे हैं। हमारे राजस्थान में कहावत है कि काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, उनको समझ में आ जाना चाहिए। धन्यवाद। ठीक